नमस्कार, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। आई रचना अग्रवाल वेलकम यू ऑल अगेन। टुडे आई एम इन माय फर्स्ट एपिसोड आई हैड डिस्कस्ड अबाउट करियर गाइडेंस। आई होप आप सभी ने वो देखा होगा। टुडे आई एम हियर अगेन विद द सेकंड एपिसोड ऑफ करियर गाइडेंस आफ्टर 10th क्लास, जो आप लोगों को इंडिया के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है, स्ट्रीम्स अवेलेबल है, बेसिकली मैं उनके ऊपर फोकस करूंगी, चाहे आरबीएससी में या सीबीएसई में या आईसीएसई में, किसी भी बोर्ड में हो। बेसिकली जो हमारे सामने तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आफ्टर 10th टू मेक योर करियर, जो स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है दैट यू हैव टू सिलेक्ट इन 11th एंड 12th, इट इज आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। बेसिकली इंडिया के अंदर एक और फॉल्स अजम्पशन है कि परसेंटेज को हम लोग क्राइटेरिया रखें। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू सजेस्ट प्लीज कम अप विद न्यू आइडियाज। परसेंटेज एक क्राइटेरिया हो सकता है, बट इफ योर इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट सजेस्ट यू टू ऑप्ट फॉर पर्टिकुलर स्ट्रीम, देन यू शुड गो फॉर दैट। जस्ट लीव द एग्जाम्स और परसेंटेज एट वन साइड, बिकॉज पर्टिकुलर एग्जाम में आपके किसी भी कारणवश मार्क्स ज्यादा भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं। तो डोंट जज योर करियर स्ट्रीम सिलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम। योर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, योर एकेडमिक इंटेलिजेंस, योर सिटिंग पावर, योर इंटरेस्ट ऑल्सो मैटर्स अलॉट। सो बेसिकली सबसे पहले हमारे सामने जो इंडिया के अंदर ऑप्शन स्ट्रीम्स अवेलेबल है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। मेरी फर्स्ट इज आर्ट्स। एज आई टोल्ड यू, आर्ट्स को जनरली क्या माना जाता है, एक मिसकंसेप्शन है, जो एकेडमिकली डल है, जिसका परसेंटेज कम आया, चलो बच्चे आर्ट्स ले लो। इट्स वेरी रॉन्ग टेंडेंसी इन इंडियन पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट आर्ट्स स्ट्रीम इज टेकन बाय स्टूडेंट्स जिनका परसेंटेज कम आया, जो एकेडमिकली डल है। नो, अजम्पशन गलत है। मैं यही कहना चाहूंगी जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है वो आर्ट्स स्ट्रीम है। इट नीड्स योर सर्टेन एप्टीट्यूड टू परफॉर्म वेल। It can provide a rewarding career. आज किसी भी स्ट्रीम को आप कम नहीं समझें, हर स्ट्रीम की अपनी अच्छी इंपॉर्टेंस है, हर स्ट्रीम आपको एक रिवार्डिंग करियर प्रोवाइड कर सकती है। सो इफ यू कंसिडर टू परस्यू आर्ट्स एट योर यूजी लेवल और वट एवर योर प्रोफेशनल करियर, आई वुड लाइक टू सजेस्ट वट कैन बी द ऑप्शन फॉर यू इन आर्ट्स। आर्ट्स के अंदर आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो मेनी। आपको चार कंपल्सरी सब्जेक्ट लेना होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बहुत बड़ी लिस्ट है, इंक्लूडिंग इवन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स इन आर्ट्स सेक्शन। आपको कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, मैथमेटिक्स भी अवेलेबल होता है, इकोनॉमिक्स भी अवेलेबल होता है। You can pursue your better career in arts. बहुत सारे opportunities हैं। जो भी आपके optional subjects होते हैं, आप college में उसके अंदर BA pursue कर सकते हैं। It can be BA in any stream. You can go with BA in humanities, BA in finance, BA in foreign language, BA in history, BA in music, BA in philosophy, so many. Arts के अंदर आप और BA के बहुत सारे BA economics कर सकते हैं, animation, multimedia, मास कम्युनिकेशन, इनके अंदर भी आप बहुत अच्छा डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर डिजाइनिंग कोर्सेज इन आर्ट्स। आपका इंटरेस्ट जिसमें डिजाइनिंग में है, इंटीरियर डिजाइनिंग में आप बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं, टेक्सटाइल के अंदर आप कर सकते हैं, जो भी डिजाइनिंग कोर्स आप करना चाहें, ऑप्शन आर अवेलेबल इन आर्ट्स। अलॉन्ग विद इट माई डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने बहुत अच्छा करियर यूजी लेवल पे आपके सामने पीजी लेवल के कोर्सेज के लिए आर्ट्स स्ट्रीम में खुल जाता है। यू कैन बिकम अ गुड टीचर। आप सोशल चेंज लाना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आपकी सिटिंग हैबिट अच्छी है, रीडिंग राइटिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट है, लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए कर जाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी आपके लिए आर्ट्स स्ट्रीम अच्छा है। आपकी सिटिंग, आपके इंटरेस्ट है कुछ सोशल चेंज लेके आने की, तो आर्ट्स कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। यू कैन बी अ म्यूजिशियन, यू कैन बी अ डांसर, you can also pursue for your IAS and IEPS in arts stream. So aap sochiye kitna acha opportunities hai aapke samne arts ke andar. Don't consider it as a dull academic career option. No, it's not like that.
लेट अस मूव अहेड, देन कम्स कॉमर्स स्ट्रीम. एक जनरल टेंडेंसी है, अच्छा नंबर आया है 80 प्लस है, चल बेटा साइंस में, और 40 से कम है, 50 से कम है, चल बेटा आर्ट्स में. तो जो मेजॉरिटी और जो एवरेज स्टूडेंट्स हमारे बचते हैं, चल बेटा कॉमर्स में. नो, इट शुड नॉट हैपन. जो आपका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस अगर आपका है कॉमर्स फील्ड में जाने का, इफ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, इफ यू आर गुड एट न्यूमरिक्स, इफ यू आर गुड इन कैलकुलेशन, आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने का इंटरेस्ट है, अकाउंटेंसी पढ़ने का इंटरेस्ट है, यू शुड ऑप्ट फॉर कॉमर्स. आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में अच्छा चलता है माइंड, यू शुड ऑप्ट फॉर कॉमर्स. इसके अंदर जो आपके सामने सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, दैट विल बी अकाउंटेंसी, इट्स अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स. फिर जो ऑप्शनल में आपके सामने बहुत सारी वैरायटीज हो जाती है, आईपी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन एंड सो मेनी. जो आपके सामने करियर ऑप्शंस आते हैं कॉमर्स के अंदर, नो डाउट एवरीबडी नो अ वेरी गुड जॉब सी कॉमर्स के नाम से. जो भी कॉमर्स का बंदा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बेटा आपने कॉमर्स क्यों लिया, he will definitely say, I want to become a CA. Just CA is a very good CA, very good option for your commerce students as the opportunity. But along with CA, there are so many other things also available. You should also know for that. You should also explore those. And those can be CA, Chartered Accountant, Company Secretary, CS, CFA, CMA. Then you can go with diploma courses, Hotel Management, BHM, Bachelor of Hotel Management. As law is there, cost accounting courses are available for you. Teaching, obviously, available in commerce stream for commerce student graduates only. Then banking and finance sector is completely for you. No doubt, very good opportunity. BBA aap kar sakte hain, MBA aap kar sakte hain, Master's degree courses, BCom, MCom ke alawa, commerce ke andar, pura banking sector aapke saamne hai. And no doubt, government jobs to hai hi. कॉमर्स के अंदर यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल इन कॉमर्स. नाउ आर्ट्स डन, कॉमर्स, साइंस, नो डाउट साइंस नीड्स हार्ड वर्क, सिटिंग पावर, एकेडमिक इंटेलिजेंस अलॉन्ग विद सो मेनी अदर थिंग्स. इफ यू आर परसुइंग टू बिकम इन गोइंग मेडिकल और नॉन मेडिकल फील्ड, जो इसका बेसिकली माना गया है, अगर आप साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके सामने अवेलेबल है. बेसिकली इंडिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, बायो लिया तो फिर आप मेडिकल फील्ड में है, मैथमेटिक्स लिया तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में है. तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आपके सामने अवेलेबल होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री. आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी आपके सामने है, एग्रीकल्चर के ऑप्शन है, हॉर्टिकल्चर है, सो मेनी कोर्सेज आर अवेलेबल आज आपकी स्कूल जो आपको प्रोवाइड करती है. और अगर आप नॉन मेडिकल में जाते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसको हम PCM का स्लॉट कहते हैं, और एक PCB बायोलॉजी का जो ग्रुप होता है जो मेडिकल का ग्रुप कहलाता है. तो इफ यू हैव द एप्टीट्यूड टू परस्यू करियर इन दिस स्ट्रीम, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं. आपके अंदर कैपेसिटी अच्छी है, आप साइंस और मैथ्स दोनों को ऑप्ट कर सकते हैं. इज दैट ओके विद यू? तो ये आपके इंटरेस्ट की बात हुई, ये आपके सब्जेक्ट्स की बात हुई. अब इसके सब्जेक्ट्स के बाद में आपके सामने जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, नो डाउट मैथ्स का बंदा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, IIT, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, बीटेक BE है आपके पास, उसके बाद में आपके पास में आर्किटेक्चर का ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. इंजीनियरिंग के बाद में आपके सामने बहुत सारा कुछ है, और बायोलॉजी के अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड है आपके पास में, आप डॉक्टर्स कर सकते हैं, MBBS, MD एंड सो ऑन. डी फार्मा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, बैचलर्स इन फार्मेसी कर सकते हैं. उसके अलावा पैरामेडिकल का बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होता है अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो. और उसके बाद में BSc नर्सिंग आप कर सकते हैं, अलाइड हेल्थ वर्कर्स के बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. मेडिसिन और फार्मेसी के भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है. अभी नॉन मेडिकल की अगर मैं बात कर रही थी तो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और BBA बहुत एक अच्छा, MCA का बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं वो साइंस के भी कर सकते हैं, BCA एंड BBA, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो. तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है. आपको ध्यान रखना है कि आपकी अपने कैलिबर क्या है, एकेडमिक इंटेलिजेंस क्या है, सिटिंग पावर के साथ में इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या है. आप ऑप्ट कर सकते हैं, एज आई डिस्कस आर्ट्स ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, कॉमर्स ले सकते हैं और
साइंस ले सकते हैं। थैंक यू।